दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद शहर के बारे में। हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। इसकी स्थापना 1591 ईस्वी में मुसी नदी के तट पर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। बाद में इस पर मुगल गवर्नर निजाम असफ अली जाह प्रथम का शासन था, जिन्होंने तब असफ जाही राजवंश की स्थापना की, जिसे निजाम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक विविध संस्कृति है। दुनिया इसे एक आधुनिक जीवन शैली के स्पर्श के साथ अनूठी संस्कृतियों के मिश्रण के रूप में देखती है। हैदराबाद अब भारत की आईटी राजधानी के ताज के लिए बेंगलोर और चेन्नई के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल का अपना भारत मुख्यालय यहाँ पर है। हैदराबाद का नाम का अर्थ है हैदर का शहर या शेर का शहर। शहर को मूल रूप से बाग नगर, बागीचों का शहर कहा जाता था और बाद में इसका नाम हैदराबाद हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे हैदराबाद के बारे में 21 ऐसी जानकारियाँ जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। लगभग 11 मिलियन की घरेलू आबादी की मेजबानी करते हुए इसे भारत के छठे सबसे अधिक आबादी वाले शहर के रूप में नामित किया गया है। द लैंडमार्क ऑफ हैदराबाद। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित चार मीनार वास्तव में इस शहर का प्रतीक है। चार मीनारों या टावरों से घिरी 56 मीटर की ऊंचाई के साथ चार मीनार शहर में अवश्य ही देखने लायक जगह है। कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर हीरा, जो कभी दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञात हीरा था, मूल रूप से आंध्र की कोलूर खदानों से खनन किया गया था और फिर गोलकुंडा किले तक पहुँच गया था। गोलकुंडा दुनिया के सबसे मूल्यवान हीरे जैसे कि नसक हीरा और दरियाए नूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रिचेस्ट इंडियन इन हिस्ट्री। 1930 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की कुल संपत्ति $2 बिलियन आंकी गई थी। उन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था। मुद्रास्फीति को जोड़ने के बाद उनकी संपत्ति की गणना कहीं 75 से 100 बिलियन डॉलर के बीच की जा सकती है। बुद्ध स्टैचू ऑफ हैदराबाद। हुसैन सागर झील में जिब्राल्टर चट्टान पर भगवान बुद्ध की 18 मीटर की अखंड मूर्ति खड़ी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर मूर्ति है। ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन। हैदराबाद के चारों ओर रॉक फॉर्मेशन है। ये चट्टाने लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर। पीवी नरसिम्हा राव एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर लगभग 11.6 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। इसे स्थानीय हवाई अड्डे के लिए एक सीधा लिंक बनाने के लिए बनाया गया था। लार्जेस्ट स्नो पार्क। स्नो वर्ल्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,000 स्क्वायर मीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ आधारित थीम पार्क है। लार्जेस्ट फिल्म सिटी। 1996 में शुरू हुआ रामोजी फिल्म सिटी 1666 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत फिल्म स्टूडियो है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी प्रमाणित किया गया था। कई फिल्में जैसे बाहुबली, बाहुबली 2, चेन्नई एक्सप्रेस आदि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में यहीं पर शूट किया गया था। लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत के MGF द्वारा निर्मित और UAE के स्वामित्व में है। 5,000 बैठने की क्षमता और 291,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ ये भारत की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सम्मेलन सुविधा है। होम ऑफ आर्टिफिशियल लेक। हैदराबाद दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत कृत्रिम झीलों का घर है, जिसमें हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसी झीलें मुसी नदी पर बांधों द्वारा बनाई गई है। कृत्रिम झीलों को जन्म देते हुए शहर में 100 से ज्यादा मानव निर्मित झीलें हैं। सिटी ऑफ पर्ल्स। हैदराबाद प्राकृतिक मोतियों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और हीरे के व्यापार में भी इसका प्रमुख योगदान है, इसीलिए इसे मोतियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ बिरयानी। निजामों का यह शहर अपनी खास हैदराबादी बिरयानी के लिए मशहूर है। जब से इस जगह की शुरुआत हुई है, हैदराबाद का संभवतः राष्ट्रीय व्यंजन हैदराबादी बिरयानी एक विश्व प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसमें कई प्रकार की किस्में हैं। ऐसा कहा जाता है कि निजाम किसी भी समय अपने मेहमानों को लगभग 26 प्रकार की बिरयानी परोसते थे। ये भी कहा जाता है कि हैदराबादी बिरयानी में 140 से भी ज्यादा किस्में हैं।
कूल स्कूल एंड कंपनीज। हैदराबाद भारत के एलिट शहरों में से एक है, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे शीर्ष बिजनेस स्कूल और IIT, IIIT और बिट्स जैसे शीर्ष प्रौद्योगिकी स्थान है। हाईटेक सिटी। हाईटेक शहर के रूप में जाना जाने वाला हैदराबाद भारत में सबसे तेजी से बढ़ते IT शहरों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, नोकिया, डेल, AMD, एक्सेंचर, अमेजन आदि जैसी कंपनियों ने यहाँ अपने कार्यालय या वर्क स्टेशन स्थापित किए हैं। चार मीनार एक कारण के लिए बनाया गया था। हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध मील का पत्थर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य। ये एक राजा द्वारा इसलिए नहीं बनाया गया था जो एक युद्ध में अपनी जीत को दिखाना चाहता था। अधिकांश अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के विपरीत चार मीनार वास्तव में कुली कुतुब शाह द्वारा भगवान से प्रार्थना के संकेत के रूप में बनाया गया था, ताकि अपने नागरिकों और राज्य को घातक प्लेग से मुक्त रखा जा सके। बेस्ट म्यूजियम इन साउदर्न इंडिया। सलारजंग म्यूजियम को दक्षिण भारत का सबसे अच्छा संग्रहालय माना जाता है। दुनिया भर से इसके लगभग 40,000 संग्रह हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्व। हैदराबाद शहर में देश में पाए जाने वाले कुछ सबसे आकर्षक वनस्पति और जीव हैं। इसमें कई पार्क हैं जो इस प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करते हैं, जैसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क और मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आजादी के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं। वर्ष 1947 में जब पूरे देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तब हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था। यह अभी भी हैदराबाद के निजामों के शासन के अधीन था और कुछ महीने बाद भारतीय सेना द्वारा आक्रमण किए जाने तक इसे एक रियासत माना जाता था। चाय प्रेमी। हैदराबाद ईरानी चाय का केंद्र है, जो एक फारसी चाय ब्रांड है। शहर में कई ईरानी चाय कैफे हैं। सानिया मिर्जाज होम टाउन। भारत में टेनिस सानिया मिर्जा का पर्याय है। भारतीय टेनिस सनसनी ने अपने 10 साल के करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। उन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा भारत के नंबर एक खिलाड़ी के रूप में भी स्थान दिया गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।